हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे हम चैप्टर पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले देखना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ पॉलीनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज zeros and coefficient। ठीक है, coefficient of a polynomial, of a polynomial, polynomial के अबाउट मैंने आपको 2.1 एक्सरसाइज में बताया था polynomial क्या होता है। ठीक है, बट यहाँ पे zeros और कॉफिशियंट क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पॉलीनोमियल की जनरल फॉर्म बताई थी दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। कॉफिशियंट के बारे में बताया था मैंने दैट एक्स का जो मल्टीपल होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दैट ए दिस इज योर कॉफिशियंट, और एक्स ओनली एक्स का मल्टीपल बी दिस इज योर कॉफिशियंट एंड सी इज योर कॉफिशियंट्स। ठीक है, तो इसी में हमको रिलेशनशिप बताना है। तो सबसे पहले जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर लाइक कर लेते हैं एग्जाम्पल, एक एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दिस इज योर अपॉलिनोमल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो फर्स्टली से हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हियर ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू फाइव एंड सी इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, आपका ए और बी और सी क्या है, वन फाइव सिक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों ने सीखा था क्लास नाइन्थ में, हम मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे तरीकों से हमने लर्न किया था कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉफिशियंट एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाइड सी। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड सी, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन मल्टीप्लाइड सिक्स इक्वल्स टू सिक्स, वी गेट सिक्स। ठीक है, नाउ सिक्स के हम फैक्टर्स करते हैं दिस टाइप। ठीक है, कि उन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आपका सिक्स होना चाहिए, यानी कि सी के इक्वल होना चाहिए, सी के इक्वल, और एडिशन बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे फाइव है, इफ हम इसको टू प्लस थ्री करें इसका एडिशन, तो देखिए ये जो फैक्टर्स हैं आपके ये बी के इक्वल हैं, राइट, फाइव। इफ टू और थ्री का हम मल्टीपल करते हैं तो ये आपका c के इक्वल है, राइट। तो हम ऑलवेज फर्स्टली मिडिल टर्म स्प्लिट करने का जो तरीका है वो एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट और c का मल्टीपल करेंगे, a और c इक्वल्स टू सिक्स इसका। नाउ हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जिनका सम b के इक्वल होना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन सिक्स के इक्वल होना चाहिए। नाउ इसको हम b के प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सिक्स इक्वल्स टू जीरो, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया, थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, नाउ यहाँ से देखिए आपका x कॉमन है तो x प्लस टू हो जाएगा, इन दोनों इक्वेशन टर्म से थ्री कॉमन है, एंड x प्लस टू, थ्री टू जा सिक्स इक्वल्स टू जीरो। नाउ एक्स प्लस टू अगेन कॉमन ले लेंगे हम, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री, एक्स यहाँ से और थ्री यहाँ से रिमेनिंग। ठीक है, व्हेन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो देन एक्स इक्वल्स टू माइनस टू आएगा आपका, ओके, एंड व्हेन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो देन एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। ठीक है,
हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड आउट करते हैं। और भी सारे मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यूज आती हैं, दैट इज योर जीरोस। ओके, नाउ कॉफिशियंट, कॉफिशियंट के अबाउट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था दैट कॉफिशियंट क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कॉफिशियंट की वैल्यू है ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। नाउ लेट कर लेंगे, नाउ लेट जीरोस ऑफ इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। लेट कर लेंगे ये जो इक्वेशन के अल्फा और बीटा हैं, ये जो जीरोज हैं, दिस इज योर अल्फा और बीटा, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशन हमें शो करना है, ठीक है। तो रिलेशन देख लेते हैं, सी और ए को हम इफ डिवाइड करते हैं, ठीक है, सी डिवाइड बाय ए, ठीक है, सी डिवाइड बाय ए, दिस इज योर इक्वल्स टू 6, राइट। देखिए ये कैसे होता है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं -2 × -3, ये कैलकुलेट होकर आपका 6 आ जाएगा, राइट। एंड वॉच करिए, -2 और -3 ये एक्स की वैल्यूज हैं, यानी कि जीरोज हैं, ठीक है। यानी कि सी बाई ए इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। सी बाई ए इफ हम करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल होता है। नाउ इफ बी बाई ए यानी कि -b/a, दिस इज योर, कैलकुलेट करिए, वैल्यू पुट करिए, दिस इज योर -5/1, राइट, दिस इज इक्वल्स टू -5। -5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं -3 + -2, राइट। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस -2 और -3, दिस इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है, दिस इज योर सम ऑफ जीरोस। ओके, ये आपका सम ऑफ जीरोज हैं, ठीक है। आई होप यहां तक कि आपको क्लियर हो गया होगा एवरीथिंग। अभी देख लेते हैं ये आता कहां से है, ठीक है, ये जीरो सम ऑफ जीरोज कैसे बनते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जनरल फॉर्म ले लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, ठीक है। इसको हम k(x−α) और x−β के इक्वल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा ax² + bx + c इज इक्वल्स टू, इफ आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा k(x²−k)(αβ), ठीक है, +k(α·β), प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, सो हियर ए इक्वल्स टू के, बी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस, यहाँ पे एक्स भी होगा आपका, सॉरी, ठीक है, ये आएगा -k(α+β) एंड सी इक्वल्स टू k(α·β). ओके, नाउ इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पी इक्वल्स टू -k(α+β), सो इस k को हम डिवाइड में सेंड कर देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका -b/k(α+β), ठीक है। तो k आपका क्या है, a के इक्वल्स है, सो -b/a इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ से, α+β। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, दिस सी इक्वल्स टू के
अल्फा डॉट बीटा, के को हम डिवाइड में सेंड कर देंगे, के इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा, के इक्वल्स टू क्या है ए, सो सी बाई ए इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। तो सो दिस इज रिलेशन बिटवीन, दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोज जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, ओके। फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप लेट कर लीजिए, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज, ठीक है, जीरोज। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि उसके थ्री जीरोज होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए, हमने चेक किया, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, थ्री जीरोज हैं तो थ्री जीरोज का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राउंडली, अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एंड लास्ट वन अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। इफ आपको ये समझ में आ गया कि ये आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे आते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरोज कैसे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।